कि इस अध्याय की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से करते हैं, जहां पानी की किल्लत बहुत ज्यादा दिक्कतों में बदल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या जस से तस बनी हुई है। झुलसाती गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। घर में पानी नहीं आ रहा तो पानी के टैंकर के भरोसे दिन काटना पड़ रहा है, उसमें भी जरूरत के हिसाब से पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। मगर इस जल संकट पर सियासत पूरी हो रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है तो बीजेपी दिल्ली सरकार को निकम्मा बता रही है। मेरी मौजूदगी है दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके में। पानी की जबरदस्त किल्लत है। देखिए, लोग यहाँ से टैंकर से पानी भर भर के ला रहे हैं और इस तरीके से पानी स्टॉक करते हैं। रोज ऐसे ही पानी लाती हो? हाँ, काफी दिक्कत है। बहुत ज्यादा। हाँ। इतने लोग आए, कुछ तो होता नहीं है। समस्या कितने सालों से है? बहुत सालों से। हर गर्मी में यही होता है, गर्मियों में पानी ही नहीं देते। पानी नहीं होता तो कैसे करते हो? फिर टैंकर ही आता है बस। हर घर में इस तरीके से आपको गैलन मिल जाएंगे और ये पानी फिर टैंकर से लाते हैं और स्टॉक करते हैं। कैसे लोग यहाँ पर गुजारा करते हैं? ये लीक हो गया आपका? जी मैडम, टूट गया है डब्बा। टूट गया है? हाँ जी। बड़ी परेशानी हो जाती है गर्मियों में? हाँ जी मैम, पानी आता ही नहीं है। टैंकर रोज आ रहा है? हाँ मैम, रोज आता है, लेकिन भरना पड़ता है। हाँ। और हर साल ये है कि इस साल ज्यादा दिक्कत है? यही है। कुछ समाधान नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। ऐसे ही पानी लाना है, गुजारा करना है सारे काम छोड़ करके, और ये टैंकर जब आता है, जैसे ही इन लोगों को सूचना मिलती है, ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब वहीं जगह बदल जाती है लेकिन तस्वीरें नहीं बदलती। दिल्ली के अलग अलग कोनों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली में टैंकर से पानी लेने के लिए लोगों को सुबह से सड़कों पर जमना पड़ रहा है, क्योंकि बाल्टियां ज़्यादा होती हैं, पानी कम होता है, इसलिए टैंकर के पहुंचते ही मारामारी शुरू हो जाती है। गीता कॉलोनी से लेकर चाणक्यपुरी तक, ओखला से लेकर वसंत विहार तक, यही हाल है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे भीड़ जमी हुई है। लोग अलग अलग तरीके से लोग वहाँ खड़े हैं, अपने अपने कैन लेकर के और लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन जैसे ही टैंकर आता है तो हर किसी का संयम टूट जाता है। पाइप से पानी खींचने की जगह जल्द जद्दोजहद शुरू हो जाती है, झगड़े होते हैं, खींचतान होती है। और वहाँ महिलाएं पहुँची हैं, छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए और दूसरे हाथ में टैंकर लिए। छोटे छोटे बच्चों को भी इस काम में लगा दिया गया है कि जाओ बेटा पानी लेकर आओ, पानी भर कर आओ। हर घर के अंदर कम से कम 6 से 7 कैन भर के रखना आवश्यक है, क्योंकि अगली बार टैंकर कब आएगा कोई भरोसा नहीं। सब जगह यही हाल है। यहाँ तक कि NDMC ने दावा किया है कि उसके तहत आने वाले दिल्ली के पॉश इलाकों में भी पानी की किल्लत हो रही है। NDMC ने बताया कि बंगाली मार्केट और तिलक मार्ग इलाकों में दिल्ली जल बोर्ड से 40% कम पानी मिल रहा है। अब जल बोर्ड को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं कि दिल्ली जल बोर्ड किस तरह से मैनेज या मिसमैनेज हो रहा है। बीजेपी की तरफ से आरोप भी लगे हैं कि कहीं 600 करोड़ की प्रॉफिट में रहने वाला दिल्ली जल बोर्ड अब 73,000 करोड़ के नुकसान को क्यों झेल रहा है, कैसे झेल रहा है। पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी सरकार के अंदर किस तरीके का पानी का मैनेजमेंट हुआ है। वहीं प्रत्यारोप ये लग रहा है कि देखिए, ये पानी जहां से आना चाहिए और जिस जिसको मिलना चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। आपको चाणक्यपुरी के संजय कैंप की तस्वीरें दिखाते हैं और यहाँ पर भी जो पानी की समस्या है वो लगातार बनी हुई है। कई सालों से यहाँ पर पानी की समस्या है। हालांकि यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन पाइपलाइन में कभी पानी आता है, कभी नहीं आता, कभी आता है तो खारा पानी आता है। और इसलिए यहाँ पर NDMC की तरफ से बाकायदा दिन में कई बार यहाँ पर टैंकर्स भेजे जाते हैं जिससे पानी की आपूर्ति की जाती है। लेकिन जब भीषण गर्मी पड़ती है, जब तापमान बढ़ जाता है, तो ये समस्या और जटिल हो जाती है। आप देखिए किस तरीके से युवा टैंकर के ऊपर चढ़े हुए हैं, पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले पाइप को मुंह से लगाकर पानी खींचा जाता है, उसके बाद उनके परिचय जो नीचे खड़े होते हैं उनको वो पाइप नीचे दिया जाता है। इस तरीके से ये रोज का है, एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, साल भर इसी तरीके से पानी की किल्लत यहाँ पर होती है। लेकिन जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, जब तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि पानी की खपत भी ज़्यादा होगी और ऐसे में ये किल्लत यहाँ पर झेलनी पड़ती है। और इस बार तो दिल्ली सरकार ये आरोप लगा रही है कि हरियाणा की तरफ से जो पानी छोड़ा जाता है दिल्ली के लिए, वो पानी कम छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में एक जल संकट पैदा हो गया है। तो दूसरी तरफ
एनडीएमसी का वो हिस्सा जिसको लुटियंस दिल्ली है जिस हम कहते हैं, और उसी हिस्से के अंतर्गत 2 से 3 झुग्गियाँ हैं जिनको हम संजय कैंप या विवेकानंद कैंप के नाम पर जानते हैं। वहाँ पर ये पानी की समस्या एनडीएमसी के इलाके में ज़्यादा है और एनडीएमसी ने साफ कह दिया है कि दिल्ली जल बोर्ड क्योंकि एनडीएमसी को पानी देता है, ऐसे में एनडीएमसी को फिलहाल 40% पानी कम मिल रहा है, जिससे जो पानी की आपूर्ति है उसको करने में भी एक तरीके से एनडीएमसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी एक अहम मुद्दा है, इसको लेकर लगातार दिल्ली में एक हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। अब ये आरोप एनडीएमसी ने लगाया कि बंगाली मार्केट और आसपास के इलाकों में पानी नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली का जल संकट आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की सरकार की नाकामी, नासमझी, नौसखियापन, नालायकी के कारण हुआ है। दिल्ली जल संकट में डूबी है। समस्या के हल देने के बजाय अपनी नाकामी छुपाने के लिए अलग अलग बहाने ढूंढे जा रहे हैं। अपनी गलतियों का ठीकरा किसी पर तोड़ने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक जनता को जल उपलब्ध कराने के बजाय गालियां निकाल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी की हताशा व निराशा है। गोद में लेकर आप कांग्रेस को घूमते रहे, दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया, अब उसका गुस्सा आप दिल्ली की जनता से निकाल रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। अब इस पूरे संकट के लिए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर हरियाणा सरकार पर यमुना में पानी न छोड़ने का आरोप मढ़ दिया। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने टूटू कहा कि जब तक हरियाणा यमुना में पानी नहीं छोड़ता तब तक दिल्ली में पानी की कमी बनी रहेगी। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि हरियाणा दिल्ली को पहले से ज्यादा पानी दे रहा है। हम तो एक बार फिर हरियाणा से अपील करेंगे कि दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं। हम हरियाणा से अपील करेंगे कि वो यहाँ पर यमुना में पानी छोड़ें, क्योंकि वो जब तक यमुना में पानी नहीं छोड़ेंगे दिल्ली में पानी की कमी लगातार बनी रहेगी। दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन यमुना के पानी से होता है। वो पानी, एक हिस्सा पानी यहाँ पे वजीराबाद बराज पे आता है, दूसरा मुनक कनाल से बवाना कॉन्टैक्ट पॉइंट पर आता है। एक तरफ मुनक कनाल में पानी कम आ रहा है, दूसरी तरफ वजीराबाद बराज पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन पानी का है, उन्होंने सोचना चाहिए था कि हम 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर वहां पर काम कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चला जाए, उसकी तरफ तो काम नहीं किया। झूठा आरोप लगा करके कि पानी कम दे रहे हैं, अरे पानी तो जितना हम पहले दे रहे थे उससे सोया पानी देने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोग हमारे सम्मानीय वो लोग हैं और उनको कोई दिक्कत आती है, हमें दिक्कत आती है, परंतु जिस प्रकार से वहां की सरकार ने झूठ बोल करके लोगों को सुविधा नहीं दी, सिस्टम को खड़ा नहीं किया, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहे हैं, मैं वहां के लोगों को कहूंगा कि ऐसे लोगों के इस चेहरे से नकाब उतारने का काम करें। एक तरफ दिल्ली के नेता पानी पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहीं भीषण गर्मी से परेशान दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। न्यूज 18 की टीम जब लोगों से बात करने के लिए पहुंची तो हमारी रिपोर्टर जसप्रीत कौर को देखकर लोगों की आंख में आंसू आ गए। मेरी मौजूदगी है इस वक्त दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके में और यहाँ पर लोग बूंद बूंद को मोहताज है। आप देखिए कि सारा काम छोड़ करके जब पानी का टैंकर आता है तो लोग ऐसे ही इकट्ठा हो जाते हैं। पानी आता है रोज? नहीं जी, नहीं आता। आता है तो टैंकर क्यों मंगाते हैं मैम? शिकायत की थी टैंकर से? शिकायत का तो कर आया, पानी बहुत गंदा आता है, जब साफ आता पानी चला जाता है। अब बूढ़े बूढ़े हम लोग कहाँ से पानी भरा जाएगा बेटा, हम लोगों से बताओ। पानी भरा नहीं जा सकता, हम लोग हम लोगों को सप्लाई में पानी चाहिए मैम, बस सप्लाई में मिल गंदा पानी आता, बहुत गंदा आता, बहुत रहता तो मैं आपको सैंपल दिखा देती है। नहीं गई है लेने? दोपहर का समय है, कब से ये समस्या है? ये बहुत दिनों, कई सालों से हो रहा है, ऐसी परेशानी है, पानी की भी तो बहुत परेशानी। माता बहने वोटे दे दो, माता बहने वोट लेने के टाइम पर सबकी सब आ जाओगे और देखने के टाइम पर कोई नहीं आओगे, आप कोई पूछने नहीं आते हो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, पानी खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझसे पानी ये पानी आता है, ये पानी देखो आप, ऐसे पानी आता है रोज, ऐसे ये काला पानी आता है, ऐसे रोज ही आता है, रोज आता है यहाँ पे। हम टैंकर से भर भर कर परेशान हो गए, पीछे गली में बिल्कुल 2 साल से पानी नहीं आ रहा है, हाँ इतना गंदा पानी आते हैं, ये टैंकर से भर भर के भी बीमार, 3 बार चले गए केजरीवाल के ऑफिस में और दिखा के भी आए थे पानी, किसे कहें किसे पास गए, कौन हम लोगों का सुनेंगे?
वही हम लोग बिल्कुल। तो देखिए ये त्राही मांग एक मिनट मैम, सबसे बड़ी समस्या है कि टाइम नहीं है, टैंकर का वक्त नहीं है, कोई सुबह दे दे या शाम को, क्योंकि परेशान महिला ही है। और पर हमें पानी टैंकर का क्यों भरें, हम पानी टैंकर का क्यों भरें, हमारी लाइन में पानी चाहिए हमें, हम टैंकर का पानी। अब किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ टूटा है, कोई बुजुर्ग है 60 साल भी है। हाथ किसका टूटा है, हाथ वो कहाँ के टूटे में, और जगह जगह दिखाइए, इधर आइए, लेकिन एक हाथ भी नहीं है, कैसे कैसे भरेंगे पानी बताए, ऐसे उनको तरस नहीं आते ऐसे हमारी सरकार को, कि मतलब ये चीज देखें कि किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथ टूट रहा, कोई गिर रही है, एक बुजुर्ग है गिर के उनका प्लास्टर बन गया, पानी भरते हैं ना, तो किसी के पैर में ही लग जाए, चोट लग जाए, हाथ में लग जाए, बीमार, किसी को बीपी लो है रहा, कागू कछु है रहा, कैसे भरेंगे पानी का टाइम है, रोटी का टाइम, कपड़ा लत्ता धोने का टाइम, धोने क्या करें। दूसरी बात मैम, दूसरी बात, जिसके घर में 4 मेंबर हैं उसके घर में तो टैंकर से पानी भर जाएगा, जिसके घर में 1 मेंबर है वो कैसे भरेगा, जब तक यहाँ पर लोगों की समस्याएं बेहिसाब है। दोपहर का समय है, गर्मी रिकॉर्ड बना रही है, और दूसरी तरफ पानी नहीं, गंदा पानी आता है, टैंकर आता भी है तो समय पर नहीं आता है, और जितनी जरूरत है उतना आ नहीं पाता। आप देखिए दोपहर के वक्त लोग सड़कों पे है, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।